फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी रसोई। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनाने जा रहे हैं, दम पनीर काली मिर्च। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, इसे बड़े बड़े क्यूब्स में काटा है। यहाँ मैंने लिया है 2 से 3 प्याज, 7 से 8 कलियां लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, 2 चम्मच जीरा, 7 से 8 काजू, पानी में भिगो के रखा है मैंने इसे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, कुछ हरी धनिया पत्ती, 10 से मैंने यहाँ करीब आई थिंक 15 मैंने काली मिर्च ली है साबुत, इसे हम क्रश करेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, यहाँ खड़ा मसाला जिसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये आधा कप दही करीब 100 ग्राम है, इसे मैंने फेंट के रखा है, फ्रेश क्रीम, इसे भी मैंने घर पे मलाई से बनाया है फेंट करके, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ देखिए मैंने पनीर बड़े क्यूब में काटा था, इसे हम ट्रायंगल शेप में काट रहे हैं। आप इसे क्यूब भी रख सकते हैं और छोटा भी काट सकते हैं साइज में। इस तरीके से हम इसे ट्रायंगल कट कर लेंगे। हाँ, मैंने लुकवॉर्म वाटर लिया है, मैं इसे पनीर को 10 मिनट इसमें छोड़ दूंगी सॉफ्ट होने के लिए। यहाँ हम प्याज को थोड़ा सा सॉटे करेंगे। प्याज सॉटे हो गया है और अब हम इसमें काजू भी मिक्स कर रहे हैं और इन्हें थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। स्टरिंग अनियन देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है ऑलमोस्ट, ज़्यादा जलाना नहीं है इसे, और काजू भी साथ में इसके पक गए हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए और यहाँ हम जीरा रोस्ट कर लेंगे करीब 1 चम्मच। जीरा रोस्ट हो चुका है, इसे ठंडा होने देंगे। अब हम काली मिर्च को भी रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर किल हो जाए। जीरे को हम रोस्टेड जीरे को हम कूट लेंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे, कोर्स पेस्ट। देखिए काली मिर्च का भी एक हमने कोर्स पाउडर बना लिया है, दरदरा कूट लिया ऐसे भी। अब हम ये जो प्याज हमने भुने थे इन्हें और काजू को साथ में डाल रही हूँ मैं, ये 2 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये एक फाइन पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर डालेंगे। इसमें हम डालेंगे सारे खड़े मसाले। इसमें हम डाल रहे हैं हमारा काजू और प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का फाइन पेस्ट। देखिए ये पेस्ट अच्छे से कुक हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर। यहाँ मैं हल्दी और लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो कलर चेंज कर देंगे। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और लाल मिर्च यदि आप यूज़ करें तो ध्यान रखें कि हमें इसमें ये काली मिर्च पाउडर भी डालना है, इसे भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा फेंटा हुआ दही। दही हमेशा फेंट के ही डालें और कंटिन्यू इसे स्टर करें, चलाते रहें। अब हम इसमें डालेंगे ये फेंटा हुआ मलाई, फ्रेश क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए काफ़ी ठीक है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ। हम पानी भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। और देखिए ये मैंने 10 मिनट गरम पानी में इसे रखा था, पनीर को ये बहुत सॉफ्ट हो गया है, इसे भी ऐड कर देंगे। ये हम क्रश किया हुआ बारीक धनिया पत्ती, मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। और देखिए अब यहाँ जो मेन प्रोसेस है वो है हम लोग बना रहे हैं दम पनीर काली मिर्च। इसके लिए मैं इसे कवर कर दूंगी फॉइल पेपर से अच्छे से, और
और इसका लिड लगा देंगे हम, कवर कर देंगे इसे फॉइल पेपर के बाद। इसके ढक्कन से अच्छे से पैक कर दिया है और मैं इसे करीब 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे कुक होने दूंगी। हम इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट सब्जी का नमक तो डालना ही भूल गए, इसलिए पहले नमक डालेंगे स्वादानुसार और उसके बाद हम इसे दम करेंगे। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी अरोमा से किचन फुल हो गया है। अब इसे हम चेक करते हैं। यस इट्स डन। इसे हम सर्व करेंगे। देखिए सब्जी का कलर अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है। इसे हम गार्निश कर रहे हैं फ्रेश क्रीम से और थोड़ा सा इस पे डालेंगे हम वापस से हमारा काली मिर्च पाउडर। आप फुलके के साथ या चावल के साथ। यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ ज़रूर शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।